अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर और अपने बर्थडे को खास बनाया रितेश पांडे ने। इस दिन ये शादी के बंधन में बंध गए। जी हाँ, गाजीपुर के वैशाली पांडे से उन्होंने शादी की। ये एक अरेंज मैरिज है। इससे पहले भी रितेश पांडे ने हमेशा अपने हर एक इंटरव्यू में कहा है कि वो माँ के पसंद की ही लड़की से शादी करेंगे। और तो और, रितेश अपने परिवार में सबसे छोटे हैं, सभी की शादी हो चुकी थी। रितेश ही एक ऐसे थे जिनके लिए माँ हमेशा चिंता करती थी। वैसे आपको बता दें कि रितेश पांडे की शादी के लिए उनकी माँ काफ़ी मन्नतें भी मांग चुकी थी। अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर, जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सबसे शुभ दिन माना जाता है, इस दिन किसी भी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस दिन पूरे दिन मुहूर्त सभी शुभ होते हैं। इस घड़ी में लोग सारे शुभ काम करना पसंद करते हैं, चाहे वो घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो या फिर शादी करनी हो। बॉलीवुड में इसका आप एक उदाहरण देख सकते हैं अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के रूप में। इन दोनों ने भी 2007 में अक्षय तृतीया के दिन ही एक दूसरे से शादी की थी। भोजपुरी जगत के सभी बड़े सितारों ने रितेश पांडे को उनके जन्मदिन के साथ के शादी वाले दिन के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएँ दी हैं। साथ ही साथ आपको हम यहाँ ये भी बता दें, रितेश के शादी की फ़ोटो मीडिया में बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी। एक भोजपुरी का बड़ा तबका है जो उन्हें पसंद करता है, और भोजपुरी के काफ़ी सितारे जो हैं वो नहीं आ पाए बनारस रितेश पांडे के शादी में। तो हम आपको बता दें, ये सारा मामला सिर्फ कोविड के चलते है। अदरवाइज़ सभी जानते हैं कि रितेश को सभी पसंद करते हैं, तो इस शादी को कितनी बड़ी ग्रैंड शादी बनाई जा सकती थी। लेकिन सभी रितेश से बारी बारी से मिलने और उन्हें शुभकामना देने ज़रूर पहुंचेंगे बनारस, जहां रितेश रहते हैं और जहां रितेश की शादी हुई है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।